हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। ये मसाला ज़रूरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कि सीजीएल 2020 में पूछे गए थे। ये एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2021 में और ज्योग्राफी के 46 क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलमोस्ट 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स। Which of the following does not figure among these elements? तो जो हमारे अर्थ के हमारे पृथ्वी की क्रस्ट है, ऊपर की जो पपड़ी है, वो 98% एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 98% 8 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इनमें से कौन सा वो नहीं है, मतलब टॉप 8 में कौन सा एलिमेंट नहीं आता है? तो इसका आंसर है कार्बन। अब देखिए, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है यानी ऊपर की पार्ट है, उसमें देखिए टॉप 8 ये एलिमेंट्स हैं। सबसे टॉप पे है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और जो एंटायर अर्थ है यानी अगर पूरे अर्थ की बात करें, जिसमें कि क्रस्ट भी आ जाता है, उसके बाद मेंटल और सबसे अंदर कोर, मतलब पूरे अर्थ की बात करें तो सबसे टॉप में आता है आयरन, फिर ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक, तो ये टॉप 8 आपको याद होनी चाहिए दोनों के। इसमें सिर्फ दो का डिफरेंस है, इसमें सोडियम और पोटेशियम है टॉप 8 में। और एंटायर अर्थ की बात करते हैं तो इसमें सोडियम पोटेशियम नहीं आते हैं, उसकी जगह पे निकल और सल्फर आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेलेशंस का एक क्वेश्चन था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछ लिया था। हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड द ग्रेट बियर मेड अप ऑफ? इसका आंसर है 7। अर्थक्वेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय एन इंपल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड डैश। यानी अर्थक्वेक से जो इम्पल्स जनरेट होता है, जो वेव जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर है सीज्मिक वेव। और जो टेक्टोनिक शिफ्ट है और एपिसेंटर है, ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। एपिसेंटर जो होता है इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव हाइपोसेंटर और फोकस द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। यानी जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसके जस्ट ऊपर की जो जमीन होती है उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। और टेक्टोनिक शिफ्ट होता है यानी कि जो हमारी अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं उसकी जो मूवमेंट होती है, उस जब मूव करती हैं उसके मूवमेंट को बोलते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट। मिनरल्स इन इंडिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर अ कॉपर माइन? तो इसका आंसर है खेतरी। देखो, साइट्स सिटीज ऑब्लिक साइट्स एट द बैंक ऑफ रिवर, इससे एक क्वेश्चन था। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश। तो ये जो गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका आंसर है सतलज रिवर। सिटीज एट कोस्ट, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाउन सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? यहाँ पे नदी वर्ड नहीं होना चाहिए, ये गूगल ट्रांसलेशन ने गलत कर दिया। तो मतलब कि वेस्ट कोस्ट यानी इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, यानी कि जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला वगैरह आगे, कौन सा वेस्ट कोस्ट पे नहीं है? तो देखिए, सूरत तो होगा ही, सूरत तो गुजरात में है और मैंगलोर भी कर्नाटक में है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर है गोपालपुर। गोपालपुर वेस्ट कोस्ट पे नहीं है यानी पश्चिमी तट पे नहीं है, तो पश्चिमी तट पे नहीं, यहाँ पे पश्चिमी वर्ड होना चाहिए था। आयरन एंड स्टील प्लांट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अ स्टील प्लांट अंडर सेल लोकेटेड? सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें से कौन सा स्टील प्लांट सेल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भिलई। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंडर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो एक है रूरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब देखिए, रिवर से तो हमेशा ज्योग्राफी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो रिवर से 8 क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सांक रिवर एंड साउथ कोयल रिवर एट वेद व्यास इन ओडिशा? तो देखिए, पेन्नार तो वैसे लग रहा साउथ का नाम है, तो ये नहीं होगा। साबरमती रिवर कहाँ पर है? साबरमती रिवर राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका आंसर है ब्राह्मिनी। ठीक है, वेयर डज द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? आपको सारे रिवर्स की ओरिजिनेशन याद होनी चाहिए, ओरिजिन याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज।
रिवर गंगा डिवाइड्स द स्टेट ऑफ बिहार इनटू डैश पार्ट्स। गंगा नदी बिहार को कितने भाग में बांटती है? तो इसका आंसर है टू, दो भाग में बांटती है। हालांकि आंसर की में इसका आंसर थ्री दिया हुआ था जो कि गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एम्प्टीज इनटू द गल्फ ऑफ काम्बे ऑफ द अरेबियन सी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मतलब कौन सी नदी, इनमें से कौन सी नदी अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में जाके मिल जाती है? तो इसका आंसर है ताप्ती रिवर। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कौन कौन सी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, मतलब मिलती हैं। तो देखिए, अरेबियन सी ड्रेनेज, इसमें है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, नर्मदा रिवर, ताप्ती, ताप्ती जिसको तापी रिवर भी बोलते हैं, माही रिवर है और पेरियार सिस्टम्स है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ जाती जाके मिलती हैं? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा। ये इतना आपको याद होना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि भूटान के थ्रू फ्लो करती है? इसका आंसर है वांगचू रिवर। द रिवर गिरी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द डैश। अब देखिए, ट्रिब्यूटरी तो आपको हर नदियों की याद होनी चाहिए, मतलब हर नदी नहीं, इंपॉर्टेंट नदियों की तो याद होनी चाहिए, ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इसका आंसर है यमुना। यरला, वरना एंड डिंडी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द डैश रिवर सिस्टम। तो इसका आंसर है कृष्णा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। अब इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? ठीक है, तो देखिए, बनारस तो गंगा नदी के किनारे है ही है। ठीक है, कानपुर भी है, बचा हजारीबाग और फाफा माऊ। अभी फाफा माऊ आप लोग को नहीं पता होगा, फाफा माऊ इलाहाबाद के दूसरी तरफ है यानी गंगा नदी बीच में है। एक तरफ इलाहाबाद है यानी कि प्रयागराज है, एक तरफ प्रयागराज है और दूसरी तरफ फाफा माऊ है। ठीक है, यानी कि फाफा माऊ भी गंगा नदी के किनारे है। इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग गंगा नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, लेक्स इन इंडिया से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, लेक्स के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एंकर लेक लोकेटेड। तो एंकर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द कोलेरू लेक लोकेटेड। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ लेक पिकोला। पिकोला लेक कहाँ पर है? उदयपुर में। अब देखिए, फॉरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा था, सैंडलवुड ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो चंदन होता है, चंदन का पेड़ होता है, वो किस टाइप के फॉरेस्ट में ग्रो होता है? तो इसका आंसर है ट्रॉपिकल डिसाइडोस फॉरेस्ट। देखिए, बाउंड्री से एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो नेशनल बाउंड्री हो या इंटरनेशनल बाउंड्री हो। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज बांग्लादेश नॉट शेयर इट्स बॉर्डर। बांग्लादेश कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो इसका आंसर है नागालैंड के साथ नहीं करता है। तो देखिए, किसके किसके साथ शेयर करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने स्टेट हो गए? तो एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच स्टेट के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, फाइव स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली शेयर इट्स बॉर्डर विथ। तो दिल्ली किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो सिंपल सा आंसर है इसका, हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करती है। दिल्ली दो स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ। ठीक है, रॉक से एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक दैट कंटेन्स क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। इसका आंसर है ग्रेनाइट। वाटरफॉल्स इन इंडिया, इससे दो क्वेश्चन पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड कुंचिकल फॉल्स। इसका आंसर है कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा धुआंधार। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं, अंडा धार वाटरफॉल्स कहाँ पे है? ओडिशा में है, शिव सुंदरम वाटरफॉल्स कर्नाटक में है और दूध सागर गोवा में है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन पासेस से था,
नाथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विथ विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया को नाथुला पास कौन से कंट्री से कनेक्ट करता है? चाइना से करता है। लैंडफॉर्म से क्वेश्चन था, इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द काठियावाड़ पेनिनसुला। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप आपको कहाँ पे मिलेगा, कौन से स्टेट में? तो इसका आंसर है गुजरात। हिमालय से एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल। कौन सा नेपाल में नहीं है? माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में ही है, याद पता ही होगा। बाकी इसका आंसर है कामेत। ठीक है, कामेत जो है वो नेपाल में नहीं है। देखिए ड्रेनेज पैटर्न से एक क्वेश्चन पूछा था, व्हेन अ रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज डैश। इसका आंसर हो जाएगा रेडियल। देखिए ऐसे है, रेडियस जो है सेंटर से किसी भी तरफ जाए ना ऑल डायरेक्शन में, तो यही तो रेडियल होगा। ठीक है, कैनाल सिस्टम से तीन क्वेश्चन थे, द एरिया सर्व्ड बाय अ कैनाल सिस्टम थ्रू अ सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड अ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा कमांड एरिया। अ चैनल ऑफ कैनाल वेयर वाटर फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड डैश। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, यानी ग्रेविटी के प्रभाव में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो लिफ्ट चैनल तो नहीं होगा, क्योंकि लिफ्ट मतलब उठाना होता है, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, ग्रेविटी तो नीचे लाती है ना। कमांड एरिया भी नहीं होगा बाराबंकी सिस्टम, क्योंकि सिस्टम की बात नहीं हो रही, यहाँ चैनल की बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा फ्लो चैनल। अ चैनल ऑफ कैनाल वेयर वाटर इज फोर्स टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाय अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड डैश। यानी कि जो स्लोप है, यानी पानी नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे हम कह सकते हैं लिफ्ट चैनल। ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिफ्ट चैनल। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का एक क्वेश्चन था, विच लॉन्गिट्यूड हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सिंपल सा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। साइंस ऑफ एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन था, डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल ट्रीज जनरली फॉर एमिनिटी पर्पसेस। तो इसका आंसर है अर्बोरी कल्चर। मिसलिनियस के 13 क्वेश्चन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। इसमें से कौन सा एंडोजेनिक, एंडोजेनिक मतलब होता है कि अंदर से, ठीक है, अंदर से जो फोर्स निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वेव्स, क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो अर्थ के अंदर से आता है। ठीक है, लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड भी अंदर कुछ हलचल होती है तो होता है, वोल्केनिक इरप्शन अंदर से कुछ फोर्स निकलती है तो वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, लेकिन जो सी वेव है ये आंसर होगा, क्योंकि ये जमीन के बाहर होता है। डैश इज क्रिएटेड बाय द कोलिजन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, जैसे कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो ऊपर की तरफ ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं, तो ये जो हमारा हिमालय माउंटेन है ये भी एक तरह फोल्ड माउंटेन है, यानी कि जब प्लेट्स टकराती हैं तो ऊपर की तरफ वो फोल्ड हो गई तो उससे माउंटेन बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं हिमालय किस टाइप का माउंटेन है, तो फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज द हाइएस्ट एल्टीट्यूड। तो इसका आंसर है रानीखेत। रानीखेत सबसे ऊंचे स्थान पे है। डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स आर फीचर्स ऑफ डैश डाइवर्सिटी। तो इसमें जेनेटिक का कोई मतलब ही नहीं है, ना कल्चरल का मतलब है, ना इनका कोई स्पीसीज होता है, स्पीसीज तो लिविंग थिंग्स का होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा इकोलॉजिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो उसका सिंपल सा आंसर है हीलियम, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है। डैश बाउंड्रीज अकर व्हेन प्लेट्स कोलाइड एंड वन प्लेट पुश्ड अंडर द अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि डाइवर्जेंट का मतलब बाहर की तरफ फैलना होता है ना, कोई जब बाहर की तरफ फैलेगा तो डाइवर्जेंट बोलेंगे, जो अंदर की तरफ हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, कन्वर्ज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ टाइड्स, यानी समुद्र में जो टाइड्स आती हैं, ज्वार आते हैं, उसका मेन कॉज क्या है, मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, यानी सूरज और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। डैश आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विथ मोरेन्स। तो इसका आंसर है करेवास।
आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच यू विल फाइंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, अनाईमुड़ी। तो इसका आंसर है केरला। तो आगे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डेक्कन प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अ एंड डैश इज अ नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ लैंड विच कलेक्ट्स वाटर एंड ड्रेन्स इट थ्रू अ कॉमन पॉइंट बाई अ सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स। इसका आंसर है वाटरशेड। अ सैचुरेटेड जियोलॉजिकल यूनिट विच कैन यील्ड वाटर टू द वेल्स एट अ सफिशियंट रेट टू सपोर्ट अ वेल इज कॉल्ड एक्वीफर। Through which of the following actions does the lithosphere move over the asthenosphere? So, इसका आंसर हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड। तो टेरेस फार्मिंग यानी जो सीढ़ीदार खेती होती है वो किस टाइप के लैंड पे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्स यानी पहाड़ों पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एसएससी मसाला। बाकी अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।